बुरी से साफ सफाई कर लूं। आगे और भी बहुत से काम बाकी हैं। अरे स्लीपर किसकी है? इनसे यादें जुड़ी हैं। मैं बचपन में इन्हें पहना करता था जब मैं तुम्हारी उम्र का था शिंजो। अभी मुझे फिक्र है, मैंने रख लूं मेरे भाई। नहीं अभी तुम इन्हें नहीं पहन सकते। मुझे पसंद है, मैं पहनूंगा। मैंने कहा ना नहीं। मैं प्लीज बोलूंगा तो भी दोगे? नहीं का मतलब नहीं होता है। थोड़ी देखो मम्मी मुझे बुला रही है इसलिए मैं जा रहा हूँ। इन्हें जहाँ से उठाया था वहीं पर रख देना, समझे? मैं पहन कर कैसे चलूंगा? हाँ मैं कोशिश करता हूँ। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। अजीब बात है, शायद अभी मेरे ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। ओए तुम अभी कच्चे हो, अनाड़ी हो। अमला तुम? ओए छोटे तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तो चला था तुम्हारी मदद करने, सोचा तुम्हें पानी में चलने की एक अच्छी टेक्निक सिखा दूंगा। वो क्या है? वैसे ये है तो एक राज की बात। हाँ पर इन स्लीपर्स के बदले में राज खुल सकता है। ये स्लीपर्स? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पूछो मत, बस देखते जाओ छोटे। काम हो गया, अब आके खोल कर देखना है मुझे। लगता है कि वो नीचे पहुंच गया। अरे कमाल हो गया। तो कैसे लगी ये टेक्निक छोटे? ये पेंट की वजह से आसान हुआ है ना? नहीं वैक्स से, जो मैं खास कोगा शहर से लाया था बेटा। वैक्स से? वही जो गाड़ियों पर लगाते हैं ना? हाँ हाँ, इसे पेंट में डाल के इस्तेमाल करते हैं। सही कहा तुमने, तेल या पानी का इस पर कुछ असर नहीं होता। इसे स्लीपर्स पर लगाओ तो ऐसे दौड़ सकते हो। चिंजा मेरे बच्चे, अगर चाहो तो ये वैक्स तुम रखो। तुम सच कह रहे हो माला? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन अब ये तुम रख लो और अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं तो चला। थैंक यू माला, मैं पूरी मेहनत करूँगा। कैसा बुद्धू बनाया, कैसा बुद्धू बनाया वो बेवकूफ शिंजो। कितनी आसानी से मेरी बात मान गया, मुझे तो ऐसा कोई मालूम ही नहीं है। मुझे भी नहीं मालूम था। किसने कहा उसे स्लीपर? चलो चलो चलो, वाक्स लगा दिया है, कब पानी पर चलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो शिंजो भैया एक नंबर का बेवकूफ है, मना किया था चप्पल न पहना फिर भी पहन कर गया, अब कुछ हुआ तो। यानी तुम बहुत अच्छी तरह से चल रहे हो शिंजो। इसी तरह चल रहे हो शिंजो, तुम होगी ये सही सलामत उस पार पहुंच गया। कदम कदम बढ़ाए जा। शिंजो तुम मुझे बताए बगैर वो चप्पल ले गए, ये बहुत बुरी बात है, पर तुम पानी पर बहुत अच्छे से चले, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी उम्र में मैं इतना काबिल नहीं था। तारीफ के लिए थैंक यू बोले भाई, पर ये साला कमाल इस वैक्स का है पता है? वैक्स का? ये किसने बताया? आपको नहीं मालूम? इसे स्लीपर पर लगाओ तो पानी पर चलने में आसानी होती है, ये मुझे अमाला ने सिखाया। अच्छा मतलब इस तरह चलने की टेक्निक तुम्हें अमाला ने सिखाई है?
पर वो तो एक निंजा है और निंजा अपना राज कभी नहीं बताता। खैर अमारा ने ऐसा किया है तो मैं उसका एक नया गुण जान गया। गुड जॉब अमारा। क्या हुआ अमारा? क्या मैंने जो कुछ भी किया सही था? मुझे सिद्धों की विक्र हो रही है। उम्मीद है वो ठीक होगा। क्यों अगर सिंधु को कुछ हो गया तो क्या होगा? हमारा क्या होगा? हमारा जिंगनी अमारा, मुझे पता चला है कि शिंजो को तुमने आज एक नया कर्तव्य सिखाया था। शिंजो को टेक्निक सिखाने के लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करने आया था, पर इनकी हरकतों से लगता है कि इन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। डिंग 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 डिंग। ये लड़की जानती है कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसीलिए हर पल खुशी से जीना चाहती है। शिंजो जब भी कोई सीरियल देखता है तो झट से रोने लग जाता है। अपन ने कभी जानबूझ के नहीं रोता। अपने जज्बातों पर काबू रखना सीख लो, और वैसे भी लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। मैं कोशिश करूंगा। शिंजो, लगता है इसने कोई बुरा सपना देखा है। अब हमें रात में भी चैन से सोने नहीं दोगे क्या? क्यों नहीं जी, बेचारे बच्चे को ऐसे मत डांटो। शिंजो चलो चुप हो जाओ और सो जाओ। मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं जानबूझ के नहीं। शिंजो को रोना नहीं, इन्हें सब्र से काम लो। पता नहीं आजकल मुझे इतनी जल्दी क्यों रोना आता है। तुम बहुत इमोशनल हो, तुम्हें थोड़ी तेल की जरूरत है। मैं तुम्हें इस पत्थर से पिंच करता हूँ, तुम एक इंच भी मत रोना। मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा, पिंच करो। अरे बारे बार शिंजो, तुमने तो अपने आंसुओं को काबू में करना सीख लिया, मुझे भी बताना कैसे किया। मैं एक स्ट्रॉन्ग निंजा बन गया हूँ, अब मैं आसानी से नहीं रोने वाला। अरे वाह, आज तो बड़े जोश में हो बेटा, चलो देखते हैं किसमें कितना है जोश। ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी फीलिंग है, सब्र से काम लो। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बस कर पकड़ना। देखा, उल्टा लटकने पर भी मैं नहीं रोया। छोड़ दो। छोड़ दिया। बस बस बहुत हुआ, अब तक तुम एक अच्छे निंजा नहीं बन पाए हो, फालतू का जोश दिखाया। अगर अच्छा निंजा बनना है तो मजबूत बनना होगा, और ये रोना धोना एकदम बंद। कैसा हो सकता है? ओए यार, मैं हूँ ना, जाते हो। ये ऐसा निंजा टेक्निक है जो तुम्हारी आंखों से सारे आंसू सोख लेगा। निंजा टेक्निक, आंसू सोख लो। लो उड़ा दिए सारे आंसू आसमान में, अब हमेशा के लिए आंसू भूल जाना। देख कहीं निंजा टेक्निक का कितना असर हुआ। असल हो गया। अब ना कोई दुख है ना कोई दर्द, क्योंकि अब तुम रोना पूरी तरह भूल चुके हो। अब मैं कभी नहीं रोऊंगा। पता नहीं, ये राइट है रहा हूँ। देखो तो कितना सूझ गया है, दर्द हो रहा होगा ना? मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा भाई। पता नहीं उसने क्या सोचकर तुम्हें मारा। ये देखने कि मुझ पर निंजा टेक्निक का असर होता है या नहीं। निंजा टेक्निक का असर? नहीं। बाय बाय। हंसो मत, ये बहुत सीरियस सीरियल है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, समझे? वही तो।
लगता है कि ये वाकई में रोना भूल गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। तो सुनो, कैसा रहा कल का दिन? अच्छा ही रहा होगा, सबने काफी तारीफ की होगी ना कि अब तुम मेरे पे। मैं रोना भूल चुका हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग निंजा हूँ। अब मैं समझा, अमारा ने शिंजो पर भूल जा आंसू का निंजा टेक्निक आजमाया है। भूल जा आंसू टेक्निक? वो आंसू ही शिंजो की ताकत और पहचान है जिसे वो भूल चुका है। तो यार ये टेक्निक तो तुम पर काम कर गया। थोड़ी उसकी हिम्मत तो देखो, कैसे बेचारे शिंजो को मार रहा है, कुछ तो करो। हमें किसी भी तरह शिंजो को रुलाना ही होगा। ये तो भूल ही जाओ, ये तो बिल्कुल नामुमकिन।